हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3। नाउ गाइस, चैप्टर बहुत इजी है पर मैट्रिसेस के साथ लिंक्ड अप है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों चैप्टर का लिंकअप आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है करीबन 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में जो कि 4 या 6 मार्क्स का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, और एक आधा क्वेश्चन MCQs में आ सकता है या 1 मार्क्स कह सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे तो उसको 4 या 5 मार्क्स का चैप्टर मान लो, और इंपॉर्टेंट है ये आएगा तो ही डिटरमिनेंट आ पाएगा। तो दोनों तरफ से लिंकअप है तो आपके 7 to 8 मार्क्स मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट मिल जाते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी है। हर आम इंसान, हाँ बच्चा, नॉर्मल बच्चा कहता है कि सर मैट्रिसेस आता है, ये कर लेंगे। नाउ समझो क्या कहता है। अ सेट ऑफ MN नंबर्स ऑफ नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड m into n मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, मस्त रहो। अच्छा, एक और चीज़ बता रही है मुझे आपको कि चैप्टर काम कहाँ आता है। ये काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम आता है, जहाँ पे खूब सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर मैथमेटिक्स काम आती है वहाँ पे मैट्रिसेस काम आता है। कंप्यूटर कोडिंग के अंदर मैट्रिसेस काम आता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन से तो मुझे कुछ ज़्यादा खास समझ में आया नहीं। देखो बच्चों, आप सिर्फ डायरेक्ट समझना, डायरेक्ट देखना। मानो एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखो क्या एक रेक्टेंगुलर अरे है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है। 2, 3, 4 क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और देखो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, 10 मिनट दो। देखो क्या ये भी एक मैट्रिसेस दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मैंने अलग अलग एलिमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, 5 क्या है एलिमेंट है, 6 क्या है एलिमेंट है, इन सबको मैं बोलूँगा यहाँ पे एलिमेंट। क्या बात सुनाई, और देखो सीखो अभी तो, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखो। 5 - 2 a ठीक है, देखो क्या है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अरेंज है 5 - 2 a ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। और इसको अपन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या फील आ रहा है धीरे धीरे कि कैसे हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन। और देखो बच्चों, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बट क्या ये एक मैट्रिसेस दिख रहा है। बट सर क्या हमेशा नंबर आएंगे? नहीं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कोई नंबर नहीं, जरूरी नहीं, ठेका नहीं ले रखा है यहाँ पे, आप ए लिखो बी लिखो। सो सेट ऑफ MN नंबर अरेंज्ड नंबर्स। अब सुनो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वेदर इट कैन बी ए नंबर और इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट आ सकता है, ए और बी आया, आपका नाम आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे और देखो, ए बी सी आई बोले तो आयोटा, कुछ भी ले लो, के ले लो, जेड ले लो, ये अरेंजमेंट हुआ। द सेट ऑफ एम इंटू एन, अब से ये एम इंटू एन क्या है बताता हूँ उनको। नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, क्या रेक्टेंगुलर शेप का फील आ रहा है। ऑफ m रोज एंड n कॉलम, अब सर ये रोज और कॉलम क्या है। देखो बच्चों, पहली चीज तो मुझे बताने दो, रोज होता है हॉरिजॉन्टली, कॉलम होता है वर्टिकली। पहले तो इंट्रोडक्शन समझो, मुझे पता है आधे लोगों को पता ही नहीं है, मैं लिखता हूँ। ये होता है रो चलेंगे जो कि होता है हॉरिजॉन्टली, और जो स्टैंडिंग पे है इसको बोलते हैं कॉलम जो कि होता है वर्टिकल। ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ें का भी नॉलेज नहीं है कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो गाइस सबके लिए ठीक है। नाउ सी, ध्यान से देखना, ये एक पूरी रो है, इसको बोलूँगा मैं R1, एडवांस चलो। ये दूसरी रो है, ये R2, रो नंबर 2। ये तीसरी रो है तो इसको बोलूँगा मैं R3 ठीक है। ये वर्टिकल कॉलम तो ये C1 बोलूँगा, इसको C2 बोलेंगे और इसको C3 बोलेंगे। तो सर क्या इसको C1 नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, यहीं से शुरू होगा हमेशा। अपन उर्दू नहीं पढ़ रहे, अपन
ऐसे स्टार्टिंग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, तो यहाँ से C1, C2, C3, ऊपर से R1, R2, R3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कितनी रो है बच्चों, दो रो है R1 और R2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितनी रो है, और यहाँ देखो तीन रो है और एक सिंगल कॉलम है, यस और नो, क्या बात, धीरे धीरे समझ में आ रही है। सर यहाँ कितनी रो है, गिनो आप, गिनो, तीन रो हैं, 1, 2, 3, 4, चार कॉलम है। यहाँ पे 2 rows and 3 columns, क्या बात, समझ में आई। अब और सुनो, क्या इतना समझ में आया कितनी रो है और कितनी कॉलम है। रो को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, कॉलम को वर्टिकली काउंट करते हैं ना। और सुनो, और धीरे 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 मैं पत्ते खोलूँगा, आओ बच्चों देखो। अब एक आता है M×N मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, मैं धीरे 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 डेफिनेशन को तोड़ रहा हूँ, फिर जोड़ूंगा, फिर मोड़ूंगा। देखो अब यहाँ पे कितनी रोज है, 1, 2, 3, तीन रोज, कितनी कॉलम है, 3। सो गाइस इसको बोलते हैं कुल मिला के मैट्रिक्स लिखा, लास्ट में लिखा ऑर्डर। सर क्या 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 लिखा आपने, ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ORDER। मैं बोलूँगा कि तेरी कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे 3x3। 3x3 मतलब तीन रो, तीन कॉलम। तो सर पहले हमेशा रो आएगा, बाद में हमेशा कॉलम आएगा, भले IIT क्यों ना हो भाई साहब, ये बात ध्यान रखना कि पहले हमेशा रो आएगा, बाद में हमेशा क्या आएगा, कॉलम आएगा। अच्छा सर यहाँ बताओ, देखो कितनी रो है, 2 rows है, देर आर 2 rows, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1, 2, 3, सो देर आर 3 columns। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 की है। अगर मैं बोलता हूँ कि 2x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो इट्स अंडरस्टूड कि वहाँ पे 2 rows है और 3 columns है, क्या बात सुन रही बच्चों, फील आना चाहिए। मैंने एक भी चीज़ बुक की नहीं पढ़ाई, सब मन से पढ़ाया। आप कोई भी वीडियो खोल के देखो, वहाँ पे वो A11, A12 लिखेंगे, अपन लिखेंगे, अपन बाद में करेंगे, पहले फील करेंगे, मैथमेटिक्स को फील करो। बताओ कितनी रोज है बच्चों, कितनी रो है, 3 rows है, कितनी कॉलम, सिंगल कॉलम। तो आप लोग क्या बोलोगे, 3x1, ये 3×1 नहीं है, 3x1, दैट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या बात समझ में आई। पहले हमेशा रो आएगा, बाद में हमेशा कॉलम आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये बताओ जरा आप बोलो कितने ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो यू विल से 3 और कॉलम है 4, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जरा इसको बताओ, द ऑर्डर इज 3×3, नहीं कितना बच्चा, 2x3, इट मीन्स 2 rows and 3 columns। एंड आई थिंक कुछ बच्चों, बहुत कम बच्चों जिनको क्लियर नहीं होता है, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, करा दिया ना क्लियर, रोज को हॉरिजॉन्टली, कॉलम को वर्टिकली। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में कंटिन्यू करते हैं अपन, आगे चलते हैं, ये हटा रहा हूँ बच्चों। अब जरा सुनो प्लीज़, अब जो सारे वीडियो सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं शुरू होते ही, मैं वो अब पढ़ाऊँगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो किसी भी को मैट्रिक्स में, अगर आप अपने NCERT खोलेंगे, RD शर्मा का पहला पेज खोलेंगे, किसी भी वीडियो का पहला 10 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपको ये चीज़ मिलने वाली है। देखो मैं इन सब एलिमेंट को कैसे लिखूँगा। सो गाइस अपन ने अपनी एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, मैं एक जनरल फॉर्म सिखा रहा हूँ, पढ़ना और भूल जाना, ये चीज़ देखना और भूल जाना, ताकि आप लोग ये नहीं कह सको कि आयुष सर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ा रहा हूँ, देखो इंजॉय करो फिर भूल जाओ। M×N, तो M×N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब M रोज है और N कॉलम है, ठीक है ना। देखो A11 एक एलिमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, मैं धीरे धीरे कहूँगा पोजिशन ऑफ एलिमेंट सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको मैं, A11, A13, A14, .. A1N। सर क्या है ये, सुनो बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ इन्हीं मैट्रिसेस की पोजीशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना बच्चों, ये क्या है, 5 की पोजीशन क्या है, अगर मुझे पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो वी विल से A11,
A11 पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसकी पोजीशन बोलो क्या है इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले हमेशा रो आएगा बाद में कॉलम आएगा, तो इसको बोलूंगा A12, तो पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट। इसकी बोलो इसकी पोजीशन क्या होगी, जरा खुद बोलो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, ऐसे n नंबर ऑफ टाइम्स होगा यहाँ पे, तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है। जरा यहाँ देखो बच्चों A21 A22 A23 एंड डॉट 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 A2n, जरा यहाँ देखो, आ जाओ सब लोग देखो बच्चों एक बार, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, A22 पे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो कौन आया, 8 आया, A23 पे सेकंड रो थर्ड कॉलम तो कौन आया, 10 आया, यस और नो, और ऐसे n नंबर ऑफ टाइम से तो अपन आगे पहुंच गए। और देखो A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा ये सर यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ ले लेते अपन A31, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या समझ में आ रहा है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 13, A32 थर्ड एंड सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आया, B आया। क्या ये सब क्या है, पोजीशन है, पोजीशन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, तो ये यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है नहीं बोलेंगे, इसकी पोजीशन बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला बताओ 10 कहाँ है, सर यहाँ है, यहाँ, अरे यहाँ यहाँ क्या होता है, पोजीशन बोलो, सर इस 10 की पोजीशन है A22, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है A22, मैं बोलता हूँ इसकी पोजीशन क्या है बताओ, तो व्हाट डू यू से, सर A24, सर वो वहाँ है, सर वो वहाँ है, वो वहाँ, अरे वहाँ वहाँ थोड़ा करेंगे बच्चों, अपन बोलेंगे इसकी पोजीशन बताओ, तो पोजीशन आएगी A24, तो इसकी पोजीशन आ गई A24। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ। ऐसे ही हम नीचे जाएंगे तो AM ऐसे चलता रहेगा डॉट 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 डॉट, लास्ट में AMN, अब आपको ये भूल जानी, और M into N ऑर्डर की फॉर्म है। तो सिंपल एक जनरल चीज़ लिखवाई थी मैंने, बट मैंने आपको पोजीशन सिखाया, इसकी सारी फीलिंग दिलाई कि मैट्रिक्स होता कैसे, ऑर्डर सीखा, पहले चीज़ हमेशा रो होगी बाद में हमेशा कॉलम होगी गाइस, पोजिशन ऑफ एलिमेंट सीख लिया आपने, डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड एनालाइज व्हाट यू हैव लर्न इन दिस 10 मिनट्स, क्लियर गाइस, चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों। सो स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है, क्या टाइप्स है, आप लोग NCERT के पेज नंबर 61 पे जा सकते हैं, क्या टाइप्स है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम की है और कुछ काम की नहीं है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मुझे एक चीज़ आपको समझानी है, याद करो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक पूरा एक बॉक्स बनाया था यहाँ पे, उसमें A11 A12 A13 डॉट 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 A1n लिखा था मैंने आपको, है ना, वो पूरी चीज़ लिखी थी। सुनो शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं लिखूँगा A=AIJ M into N बोलूँगा। जो सारे एलिमेंट थे ना वो ऐसे A11 लिखा था, A12 लिखा था, डॉट 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 A1n, ऐसे पूरे ठेठ तक मैंने AMN लिखा था मैंने, तो इन सब को अब AIJ क्या है, AIJ I बोले तो रो, J बोले तो कॉलम, तो इन सब एलिमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया AIJ M into N। गाइस जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको टाइम लगेगा फैमिलियर होते होते, ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग जब क्वेश्चन पे आएंगे NCERT के तब आप लोग को समझ में आएगा, हाँ यार चीज़ समझ में आ रही है। इनिशियली जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, इट विल टेक टाइम, बस देखो पूरा वीडियो देखो, आई गारंटी आपको समझ में आएगा। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे AIJ M into N, पर ये ध्यान रखना आई बोले तो पोजिशन ऑफ रो, ये रो है वापस, और जे बोले तो कॉलम, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन कॉलम, ये पोजीशन वाला रो और पोजीशन वाला कॉलम, जैसे A11 A12 तो आई हो गया 1, जे हो गया 2। क्या बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा बच्चों, बस आप लगे रहो बस। नाउ लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, फालतू काम नहीं आने वाला, कहता है अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज देयर, जैसे कि एग्जाम्पल
फोर फाइव सिक्स सिंगल कॉलम होने चाहिए। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं अपन, नाइन टू थ्री फोर, क्या आया? एक सिंगल कॉलम वाला मैट्रिसेस। अच्छा जरा ऐसी एक्स्ट्रा के लिए जरा ऑर्डर क्या है, थ्री बाय वन कोई दिक्कत नहीं है, इसकी क्या होगी फोर बाय वन। मैं साइमल्टेनियसली सब कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, आएगा, आई गारंटी सब आएगा। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच हैविंग सिंगल रो, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं 5, 8, 9, 10, 11, एक और लेते हैं बी 5 और 2, परफेक्ट। तो सिंगल रो है, सिंगल रो। अच्छा एक्स्ट्रा क्या ऑर्डर है इसका, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1 by 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, 1 by 2। आई थिंक फंडा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, श्योर, चलो मैं आगे ना, कभी काम नहीं आने वाले अपने सीबीएसई के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नाम से क्लियर हो रहा है स्क्वायर, कुछ कुछ फीलिंग आएगा, फीलिंग ले लो डायरेक्ट एग्जांपल से। जैसे कि अच्छा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ पे स्क्वायर ही स्क्वायर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना देखो 4, 5, 6, 7 2 by 2, इसमें ये होगा नंबर ऑफ रो, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा सकता हूँ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा सर वो m इंटू n होता है, m बाय n, मतलब हाँ m और n इक्वल होंगे, m इंटू n इक्वल। सर और लो एग्जांपल, देखो 1, 2, 3 a b c 3, 5, 2, देखो जरा 3 रो 3 कॉलम, तो क्या हो गया ये 3 by 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, याद करो इसको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे ना उसको नया लगेगा, अदरवाइज आई कंफर्म कि जो नवंबर दिसंबर या चैप्टर पढ़ने के बाद जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत मजाक चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे सो 2 by 2, 2 by 3 सब कुछ परफेक्ट। चलो अपन एक प्रेजेंटेशन देते हैं, टेक्निकल प्रेजेंटेशन ये आना चाहिए क्योंकि अब MCQs आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सुनो, टेक्निकल समझना, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू एन बोलूंगा, एम इंटू एम बोलूंगा या एन इंटू एन बोलूंगा या आर इंटू आर बोलूंगा या एस इंटू एस बोलूंगा, क्यों बोलूंगा कि देखो एम और एन मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, आई कैन से आर इंटू आर, अरे एम और एन ने कोई ठेका थोड़ा ले रखा है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, कुछ भी ले लो, एन इंटू एन ले लो, पर कुल मिला के दोनों वैल्यूज इक्वल रहेगी, दोनों ऑर्डर इक्वल रहेंगे क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो कभी MCQs में आ गया वॉट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यू शुड नो कि दोनों दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, बिकॉज अब MCQs आ गए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मजाक कतई नहीं है, कह के लेता है एकदम मस्त वाला, ठीक है। सो गाइस अच्छे से परफेक्ट डन हो गया, अच्छे से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक बार वीडियो पॉज करें पूरा देखें एक बार। चलो डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है, स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इन तीनों में आ रही है, वो प्रॉपर्टी आ रही है तीनों के तीनों, डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी तीनों बेस्ड हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। सर समझाओ अच्छे से समझाओ, जरा देखो एग्जांपल लेते हैं 5, अब खास चीज़ क्या है 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, B ले लो, क्या सर खास, देखो सर खास, देखो इसमें क्या खास आ रहा है, जरा देखो बच्चों खास ये आ रहा है कि जो डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनमें वैल्यू है, बाकी के सारे एलिमेंट क्या है जीरो हैं, बाकी के सारे एलिमेंट क्या है जीरो हैं, ठीक है। यहाँ पे और देखो एक और लेते हैं अपन 5, 0, 0, 2, तो डायगोनल में क्या काम है, ये भी काम नहीं आने वाला क्वेश्चन में, कहीं पे भी काम नहीं आएगा, पर सीखो डायगोनल एलिमेंट्स में एलिमेंट्स है
बाकी तरफ जीरो है, क्या बात सुनाई? और चिको, अच्छा ये 3x3 है, ये 2x2 है, तो डायगनल मैट्रिक्स विल ऑलवेज वर्क विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो क्लियर हो गई, वरना डायगनल बनेगा ही नहीं। अब टेक्निकल सीखो, टेक्निकल सपोर्ट देखना अपना, क्या बोलता हूँ देखो, तो मन से बना रहा हूँ मैं, AIJ m × m कुछ भी ले लो, है ना, m × m ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ डायगनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऐसे कुछ भी, वो ये होगी व्हेन, व्हेन सुनना, ध्यान सुनना, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ नहीं आया, जरा सोचना, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इजी नहीं है, ठीक है। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ MCQs की, MCQs की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जरा पोजिशन बोलो इसकी, A12, इसकी बोलो A13, इसकी बोलो A21, 21, 21 इक्वल तो नहीं होते ना, आई और जे इक्वल तो नहीं है ना, इसकी बोलो A23, 23, अच्छा 23 तो कहाँ इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं है, तो उस जगह क्या पे आ रहा है, जीरो आ रहा है, उस जगह क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसकी पोजिशन बोलो A31, A32, 31 और 32 इक्वल कहाँ होते हैं, 3 और 1 कहाँ इक्वल, 3 और 2 कहाँ इक्वल। तो जब जब I और J इक्वल नहीं है, वहाँ वहाँ क्या आ रहा है, जीरो। बाकी एलिमेंट पे क्या आ रहा है, इसकी पोजिशन है A11, A22, A33, उस जगह कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, और अलग अलग एलिमेंट आएंगे, एक जैसे नहीं, अलग अलग, मानो 5, 5, 7 आ गया, कुछ भी हो गया, तीनों एक जैसे नहीं होंगे, तीनों एक जैसे हो गए तो सर, तो फिर वो स्केलर कहलाएगा। डायगनली तीनों एलिमेंट अगर एक जैसे हो गए तो वो स्केलर कहलाएगा, डायगनली तीनों एलिमेंट अगर अलग अलग हुए तो वो डायगनल कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। पर ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है, ये प्यार से समझ में नहीं आती, इसको याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बुक में भी लिखी हुई है, पर आप उसको देखते नहीं हो। MCQs में ये चीज़ आने वाली है, ठीक है, तैयार रहे। स्केलर पे आते हैं सर, सेम चीज़, कोई नया नहीं है, बट खास बात, खास बात, 500005, इसमें और ले लो, 10 तो क्या लो, 11, 0, 0, 11। देखो बच्चों, डायगनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अच्छा तो सेम आएंगे तो स्केलर, स्केलर ये भी काम का नहीं है, पर इस बार हमारे पास MCQs आ गए ना बच्चों बोर्ड में, इसलिए आज तक कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आए, पर MCQs आ गए ना उसमें ये चीज़ें आती है, और 80-90% जनता को पता ही नहीं होता कि क्या लिख रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है। दे नो स्केलर बट दे डोंट नो अबाउट दिस। नाउ सी द प्रेजेंटेशन, सी द प्रेजेंटेशन, जरा ध्यान से देखना। AIJ, ये बात तय है कि m × m होगा, क्योंकि भाई साहब स्केलर क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ देखो, आई थिंक ये विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं k लिखूंगा, कब लिखूंगा, जब यहाँ पे और एक चीज़ लिखते हैं अपन, AIJ के बारे में। AIJ मतलब मैं उस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, k मतलब कुछ भी, 5, 5, 5, 5, 11, 12, ठीक है ना। कब, जब i इक्वल्स टू j हो। जीरो कब हो, जब i नॉट इक्वल्स टू j हो। क्या बात है, मैंने खोल दिया, क्लासीफाई कर दिया इसको। k मतलब एक सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, जब i इक्वल्स टू j, a11, a22, a33, तब एक सिंगल वैल्यू आएगी। जीरो कब आएगा, अभी जस्ट सिखाया था मैंने यहाँ पे, जैसे a13 है तो 1 इज़ नॉट इक्वल 3, तो जब जब i और j इक्वल नहीं होंगे वहाँ पे जीरो आएगा। बेटर होगा ये चीज़ें NCERT में लिखें, बहुत अच्छा होगा ये आपके लिए, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीखो, सुनो, अगर सारे एलिमेंट को 1 कर दूँ, इसकी बहुत बहुत और बहुत काम आने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीखो। जब 100010001 डायगनली सारे एलिमेंट क्या हो, 1111 हो। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आई नो, लास्ट में बताएंगे अपन,
या 1001, ठीक है। या कोई क्वेश्चन हो ना बच्चों, कुछ भी यूनिक क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको आपके आंसर दे दूंगा, ठीक है। नाउ जरा देखो, ये भी 3 बाय 3, 2 बाय 2, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगेगी, पहली बात तो ये तय हो गई। अब देखो डायगनली क्या आ रहा है, 1 1 1 1, डायगनली क्या आ रहा है, 1। आइडेंटिटी मतलब 1 ही होता है बच्चों, तो डायगनली एलिमेंट मुझे 1 मिलेंगे, सेम होने, डायगनल होना चाहिए, सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो इन तीनों की मिला के इसमें डाल दिया, बहुत काम का है। अच्छा टेक्निकल देखो सर, टेक्निकल क्या होगा इसका, ए आई जे, m into m, ए आई जे के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 आना चाहिए, बट कब, जब i = j हो। यहाँ पे देखो मैंने k क्यों लिखा, कुछ भी नंबर हो सकता है, आयोटा डालो, तुम्हारा नाम डालो, कुछ भी डालो, पर यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे 1 ही होगा, और 0 कब होगा जरा बोलो, i not equals to j, क्या बात समझ आई। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, बट क्या आपको पढ़ते नहीं हो, और थोड़ा टिपिकल वे में लिखा है, मैंने आपको बहुत तमीज़ से और बहुत प्यार समझा दिया आपने, क्या यहाँ तक क्लियर, आई थिंक ये चीज़ें ना आपको आनी चाहिए। ये टेक्निकल जो लैंग्वेज लिखा है ना, ये सीखना MCQs में आता है और बोर्ड एग्जाम में याद नहीं रहता, या एक पेज लीजिए वहाँ हर चीज़ या कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। ना लास्ट वन, 0 मैट्रिक्स। ना इसके लिए कोई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी हो सकता है। ना देखो 0 0 0 0, 2 बाय 2, कुछ भी ले लो ना, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कैसा भी हो क्या हो, इसको 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट 0 होते हैं, क्या यहाँ तक समझ में आया। एक चीज़ मुझे और समझानी है एक्स्ट्रा, बहुत आगे की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत आगे की, ध्यान से रखना, समझ में आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो भी समझो। ये जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना 1, मैथमेटिक्स में एलजेब्रा में क्या होते हैं 1 बोलते हैं, 2 1 जा 2, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर या डिटर्मिनेंट के अंदर 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे यार मैंने आपको लिखवाया नहीं, अरे देखो 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 बताओ चीज़ें लिखवाना ही भूल गया मैं तो। देखो इसको ए भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको बोलेंगे i3 क्योंकि ये 3 बाय 3 का है, इसको बोलेंगे i2 क्योंकि ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स का है। सो गाइस ध्यान से, इसको लिखेंगे हम लोग i, क्या बात क्लियर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय i। तो जैसे मैथमेटिक्स में एलजेब्रा में 1 मतलब 1 होता है, मैट्रिक्स में 1 मतलब i होता है। तो सर आप भी कुछ आप बोले, क्या बोले सर, 2 1 जा 2, अच्छा तो सर कोई मैट्रिक्स होगी अगर a, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ i मैट्रिक्स से, तो सर क्या वापस a मिलेगा, हाँ a मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब i होता है, क्या बात समझ में आई, क्या बात क्लियर है बच्चों, परफेक्ट। एक सवाल आपके मन में आया होगा, जरा देखो एक बार, सर इसको यू लिख सकते हैं क्या, 001 फिर 0 1 0 1 0 0, सवाल तो आना, जो आना चाहिए सवाल आने चाहिए, क्या सर आपने ऐसा देखो सर ये भी डायगनली है, ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ भी कर सकते ऐसा टेढ़ा लिखते हैं, इसको भी यू लिखते हैं, नहीं सुनो टेक्निकल लैंग्वेज मुझे क्या कहती है कि जब i = j हो तब क्या आना चाहिए, 1। इसकी पोजीशन देखो, ये है a31, नहीं a13, इसकी पोजीशन क्या है a22, इसकी पोजीशन क्या है a31, तो i = j नहीं है, इसलिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा वाला बताओ ना, ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज ने पहले लैंग्वेज बनी है फिर ये बना है, ये बात ध्यान रखना, पहले कंडीशन बनी है, पहले प्रॉपर्टी बनी है, उसके बाद एग्जाम्पल बने हैं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिखाया बाद में प्रॉपर्टी सिखाई, ये तरीका होता है आपको समझाने का। गाइस क्लियर, फंडा क्लियर, बहुत मजाक चीज़ थी, आप लोग इसको हल्के में लेते हो पर अब मत लेना, ठीक है गाइस, क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और कुछ भी सवाल हो क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए मुझे, गाइस क्लियर, चलो।
सो बच्चों बात करते हैं दो और टाइप्स की, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, आरडी शर्मा में मिलेगा आपको, बट स्टिल मैं सर कर लेते हैं, छूट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाय चांस एग्जाम में कुछ आ जाए तो नाउ नाम से क्लियर है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड एक और है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स है। चलो पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, ठीक है। पहली बात तो ये हमेशा चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेगा, जैसे एग्जाम्पल अपर ट्राइंगुलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 और 7, ठीक है। यहाँ पे जरा समझना, ये यहाँ पे भी 0 आएगा। चलो नाउ गाइस फील करें, यहाँ पे आपको देखो एक ट्राइंगुलर में वे में, ट्राइंगुलर वे में ऊपर की तरफ आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बाकी 0 मिल रहे हैं। सो सुनो डेफिनेशन ये कहती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स व्हेन ए आई जे, ठीक है ना, कब होगा, व्हेन जब आई जब इसके इसके आप खुद सोचो, इसका एलिमेंट पोजीशन बोलो, पोजीशन ए 21, इसका ए 31, इसका ए 32। सुनो बच्चों कि बोले तो 0 मिलेगा, कब मिलेगा, व्हेन आई बड़ा हो जे से, बाकी वाले में तो एलिमेंट मिल जाएंगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नंबर्स मिल जाएगा। पर सुनो मेन चीज़ देखो, मेन फोकस यहाँ रखो, आई जब भी बड़ा हुआ जे से तब मुझे वहाँ वहाँ 0 मिलना चाहिए, बाकी जगह मुझे एलिमेंट मिलने चाहिए। सो देखो बच्चों जरा ध्यान से देखो, पोजीशन देखो क्या है, ए वन ए वन ए टू वन ए थ्री वन ए थ्री टू, सुनने में आ रहा है कि आई बड़ा है जे से, उस जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जरा इसका देखो, इसका देखना समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। इसका अपन बनाते हैं 1, 0, 0, 2, 5, 0, मैं मन से बना रहा हूँ 7, 8, 5। जरा देखो बच्चों खुद देखो, यहाँ पे लोअर ट्राइंगल वाले पार्ट पे मुझे एलिमेंट मिल रहा है, ऐसे शॉर्टर की बात करें कि लोअर वाले पार्ट में मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, बाकी पार्ट में मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे अपर वाले पार्ट पे मुझे एलिमेंट मिलेंगे, बाकी पार्ट पे 0 मिलेगा। तो इसका क्या होगा बच्चों, जब 0 मिलेगा कब, जब जे बड़ा हो आई से, जैसे कि पोजीशन बोलो ए 1 2, ए 1 3, 1 3 3 बड़ा है मतलब जे बड़ा है, आई जे होता ना, आई जे जे बड़ा है, इसकी बोलो पोजीशन ए 2 3। तो जब जे बड़ा हो आई से, जब जे बड़ा हो आई से तो मुझे 0 मिले, बाकी में मुझे एलिमेंट मिल जाए। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज ये रही, ये तो मैंने आपको समझा लिख दिया कि बाकी जगह मुझे एलिमेंट मिल रहे हैं, बट जब जे बड़ा हो आई से तो मुझे 0 मिलेगा। गाइस ये चीज़ ना आप रटो मत, आप किसी भी जगह टेक्निकल लैंग्वेज को रटो मत, आप एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल याद करें, जैसे कि ये याद रहना चाहिए और ये सोच के बना लो, इसलिए मैं आपको सिखाता भी वैसे हूँ जैसे आप लोगों को याद करने में इजी रहेगा। आप लोग हमेशा एग्जाम्पल को सोचें, उसके हिसाब से टेक्निकल लैंग्वेज बनाएं। बाय चांस एमसीक्यू में आ गया और आपको एग्जाम्पल याद है, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिखा, देखो एनालाइज करो, मैच करो किससे मैच हो रहा है और टिक कर दो, ठीक है ना। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल मैंने पढ़ा दिया आपको ताकि नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आसान, बहुत आसान, टेक्निकल लैंग्वेज बाद में लिखूंगा, पहले एग्जांपल देखो, मानो ए बी सी डी लिखा है, इक्वल्स टू मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल होगी, कब होगी, और देखो और देखो और देखो, ए बी सी डी ई एफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहली बात दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, तब होगी जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। सर ऑर्डर इक्वल मतलब जैसे ये कितने का है 2/3, ये कितने का है 2/3, अगर ऑर्डर इक्वल हैं तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा सोचो, सिंपल कंपेयर, ए की वैल्यू क्या होगी 5, बी की 6, ई की 7, तो सर सी की 8 होगी, हाँ सी की 8 होगी, डी की 9 और एफ की 10। तो सिंपल लैंग्वेज में बहुत इजी, अरे प्रॉपर्टी देखेंगे बाद में यार, पहले फील आना चाहिए, फील आओ, पहले फील लेके आओ चीज़ों के लिए,
टॉपिक के लिए, तब मज़ा आएगा बच्चों। तो आई थिंक यू बहुत ईजी वे में क्लियर हो रहा है आपको। अब लेते हैं टेक्निकल लैंग्वेज लिखते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, एम इंटू एन की इक्वल कर दो आर इंटू एस, ठीक है, आर इंटू एस। सो कब एप्लीकेबल है? वैन एम होगा आर के बराबर एन एन होगा एस के बराबर, एम होगा आर के बराबर, टू होगा टू के बराबर, एन होगा एस के बराबर, ये एस है वह, और थ्री होगा थ्री के बराबर। कुल मिला के दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्या सर ये पॉसिबल है क्या? सोचो टू बाय थ्री का है इक्वल्स टू थ्री बाय टू का, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ऑर्डर सेम नहीं है। एक बिरादरी के लोग होने चाहिए एकदम एक सेम, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री बाय टू नॉट इक्वल, सेम होना चाहिए टू बाय थ्री, टू बाय थ्री, ऑर्डर शुड बी सेम, देन वी कैन से कि मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है ना? डन गाइज, अब क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 3.1 के बारे में है। ये पूरा इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन गाइज, बहुत अच्छा है, MCQ सिखाया मैंने आपको, ठीक है बच्चों? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।